आज कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। देवरिया और गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जहां पर अरबों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। 1:10 पर लखनऊ से रवाना होंगे। 2:25 पर हेलीपैड पथरदेवा देवरिया पहुंचेंगे सीएम। कृषि मेला प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई अरबों की सौगात जनता को देने जा रहे हैं। 3:55 पर हेलीपैड सर्किल हाउस में पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम आज प्रस्तावित। तो गोरखपुर दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ का है। आपको बता दें कि कई अरबों की सौगात आज वो जनता को देंगे। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, गोरखपुर वासियों को 206 करोड़ रुपए की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। आपको बता दें कि 201 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसी के साथ 5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी सीएम करेंगे। आपको बता दें कि दिवाली से पहले 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, जिसमें 3,01,20,00,000 रुपए की योजनाओं की सौगात वह जनता को देंगे। मंगलवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नगर निगम परिसर में नगर निगम के 215,97,00,000 और गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 62,84,00,000 रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री 20,27,00,000 रुपए की लागत से तैयार उन्वल बाईपास भी जनता को समर्पित करेंगे। आपको बता दें कि अरबों की विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को देने जा रहे हैं 201 करोड़ रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से संवाददाता गोविंद कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद, फिलहाल गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? जी, मैं बता दूं आपको, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच जाएंगे। गोरखपुर उनका आगमन होगा, देवरिया भी उनका प्रोग्राम है। आज वो 2 करोड़, बता दें गोरखपुर में दीपावली को लेकर, दीपावली से पहले वो अरबों की सौगात गोरखपुर वासियों को देंगे, जिसमें 2.12 करोड़ की लागत से बने उल्वल नगर पंचायत भवन का आज लोकार्पण वो करेंगे। बुधवार को इसका लोकार्पण होना है। आज वो गोरखपुर आ जाएंगे और लगभग 20.27 करोड़ रुपए की लागत से उन्वल बाईपास को वो जनता को समर्पित करेंगे। हालांकि वहाँ जो देहात के लोग थे, उनको शहरों में आने के लिए भारी दिक्कतें होती थी, जल जमाव होता था, लेकिन ये बाईपास बन जाने के बाद आसानी से वो शहर में आएंगे और कहीं ना कहीं देहात के जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो सीधे शहर से कनेक्ट हो जाएंगे। इसको लेकर दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा तोहफा गोरखपुर वासियों को और आसपास के जनपदों को देने जा रहे हैं। जी, ये जो सौगात दी जा रही है, क्या आगे ये मान लिया जाए कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए सीएम के ये कार्यक्रम? जी, मैं आपको बता दूं, ये जब पिछली बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी, ये उन्हीं का विकास का परियोजना है। ये खुद उन्होंने इसका शिलान्यास किया था और ये क्रियान्वित होते हुए इसका कार्य चल रहा था। तो कुल मिला जुला कर कहें, ये उनके ही कार्यकाल में बना था, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था और उसका लोकार्पण भी वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के लिहाज से ठीक नहीं है, चुनाव अलग चीज है, ये खुद उन्होंने इसका शिलान्यास और लोकार्पण किया है। तो कहीं ना कहीं ये श्रेय जनता को जाता है और ये उनको भी जाता है। जी, हमारे साथ जो तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचा